हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नैंड गेट के बारे में, एक्स और गेट के बारे में एंड नॉर गेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बेसिक गेट्स बता दिए हैं, जैसे और गेट, नॉट गेट एंड एंड गेट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने इनसे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा नैंड गेट है, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसका हमारा सर्किट डायग्राम क्या है, ओके, इसका काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है नैंड गेट। हमारा क्या है, नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर क्या बनता है, नैंड गेट। यदि हम एंड गेट को एक नॉट के द्वारा फॉलो करा दिया जाए तो नैंड गेट प्राप्त होता है। अब ये हमारा सिंबल है, जैसे कि हमने बताया कि एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर क्या बनता है, नेट। तो हमने एंड गेट का सिंबल बनाया, देन हमने नॉट गेट लगा दिया। ये हमारा नॉट गेट है, ओके। तो ये ए बी हमने दो इनपुट दिए हैं, तो इसका क्या आएगा, हमारा आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए बी इनटू में आता है। अब हमने यहाँ नॉट गेट लगाया है, तो हमारे नॉट गेट पे बार आ जाता है, तो इसका आउटपुट आएगा वाई इज इक्वल टू ए इनटू बी का बार। या हम इस तरीके से बना सकते हैं डायरेक्टली, ये हमने क्या बना दिया, एंड गेट, इस पर हमने इस तरीके का सिंबल बना दिया। तो ये हमारा प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर हमारा नॉट गेट, मतलब ये चीज़ हमारी प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ हमारा नॉट गेट लगा है, ओके। अब इसका हमारा आईसी नंबर होता है 7409। इसमें कितने इनपुट होते हैं, दो इनपुट दिए जाते हैं। अब आती है हमारी प्रॉपर्टी, यदि कोई भी इनपुट लो होता है तो आउटपुट हाई होता है। यदि हम कोई भी इनपुट इस पर लो देते हैं तो इसमें क्या होता है, आउटपुट हमारा हाई होता है। अब देखिए, ट्रुथ टेबल के माध्यम से हम जान लेते हैं। ए और बी हमारे दो इनपुट हैं, यहाँ हमने ये हमारा आउटपुट मिलेगा। तो जैसे हमने ए और बी इनपुट दिया, ओके, तो क्या होगा, हमें वन मिलेगा। इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, वन। अब ये है ज़ीरो, हमने यहाँ ए को ज़ीरो दिया, बी को वन, तो ये आउटपुट मिलेगा वन। यहाँ हमने वन दिया, यहाँ ज़ीरो, तब भी मिलेगा हमारा आउटपुट वन। अब यहाँ अगर हमने वन वन दिया तो मिलेगा हमारा ज़ीरो। चलिए हम इसे सर्किट में फॉलो करके देख लेते हैं। सर्किट में ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ओके। तो यहाँ से हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, मान लीजिए हम ये हैं, अब ये दोनों ओपन हैं, तो ओपन होने का मतलब यहाँ ज़ीरो ज़ीरो हमने इनपुट दिया, तो क्या ये इस अवस्था में हमारा बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों ओपन है। अब यहाँ से तो हमारी सप्लाई कंटिन्यू आ रही है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वन आउटपुट देते हैं, यहाँ हम ज़ीरो, मतलब यहाँ ओपन रहने देते हैं, यहाँ क्लोज कर देते हैं, तो क्या उस अवस्था में हमारा ये बल्ब जलेगा, नहीं जल, ये क्या होगा, जैसे ये है हमारे, इसको सप्लाई दे दी और ये ओपन रह दिया, तो इधर से होकर हमारी डायरेक्ट सप्लाई पहुँच जाएगी, क्या होगा, ये जल जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या है, ये हाई है। अब जैसे कि हमने मान लीजिए हमने यहाँ पर ज़ीरो दे दिया, यहाँ वन दे दिया, तो यहाँ ज़ीरो देंगे, यहाँ बंद देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तब भी उस अवस्था में हमारी सप्लाई जाएगी, ये जलेगा, ओके। यदि हम मान लीजिए कि हम दोनों में वन वन दे देते हैं, उस अवस्था में हमारा क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो है सर्किट डायग्राम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, ये है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, और गेट और नॉट गेट को मिलाकर क्या बनता है, नॉर गेट। यदि और गेट को नॉट गेट के साथ फॉलो किया जाए तो नॉर गेट प्राप्त होता है। इसका सिंबल होता है, हमने जैसे ए और बी इनपुट दिया है, यहाँ हमने और गेट लगा दिया, तो और गेट में प्लस हो जाता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस वी। अब यहाँ हमने क्या किया, नॉट गेट का यूज़ कर लिया, तो इसमें नॉट गेट का यूज़ किया तो बार आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। या हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, नॉर्मली ये और गेट बना दिया और हमने इस तरह का ये सिंबल बना दिया, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। इसका आईसी नंबर होता है 7402। इसमें दो इनपुट दिए जाते हैं, ओके। चलिए हम इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। यदि कोई भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, अपोजिट, जैसा कि उसमें था, यदि कोई जो हमारा इनपुट है हाई है तो हमारा आउटपुट मिलेगा लो। ट्रुथ टेबल के माध्यम से जानते हैं, हमने दो इनपुट दिए हैं ए एंड बी, जीरो जीरो इनपुट देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें वन मिलता है, हमने ऐड भी किया है जैसे कि जीरो जीरो, ओके, वन मिलेगा। अब हमारा जीरो और वन, तो जीरो और वन क्या हो जाता है, हमारा वन हो जाता है, तो वन पे बार है तो ये हो जाएगा जीरो। अब वन और जीरो क्या होता है, हमारा वन, तो इस पे बार है, ये क्या हो जाएगा जीरो। वन 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 होता है,
ये हो जाएगा बार लगने से जीरो। ओके, तो इसमें जो क्या है, अगर हम हाई इनपुट देंगे तब भी हमारा आउटपुट लो मिलेगा। ओके, अब आता है हमारा एक्स ऑर गेट। तो एक्स ऑर गेट में क्या होता है, एक्स ऑर गेट, एक्स नॉर गेट। ओके, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से, एक्स ऑर गेट, एक्स ऑर गेट। इसका आईसी नंबर होता है 7486। इसमें दो इनपुट होते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है ए एंड बी। हम एक्स ऑर को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये जो चीज़ है ये इस तरीके से, और हम आगे ये वाला गेट बना देते हैं ऑर गेट। इसका हमारा आउटपुट निकलेगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा इस तरीके से बी, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, तो चलिए हम इसको टेबल के माध्यम से जानते हैं। अब आती है हमारी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, एक्स और गेट ये क्या होता है, रिकॉग्नाइज एड सॉरी पैरिटी वर्ड। ओके, ये है ए एंड बी, दो हमारे इनपुट दिए गए हैं, यहाँ हमारा आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो हम जीरो जीरो इनपुट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो वन देंगे इनपुट, वन हो जाएगा। वन जीरो इनपुट देंगे, वन हो जाएगा, और वन वन होने पे जीरो हो जाएगा, हमने देखिए बता दिया। ओके, तो फ्रेंड्स अब है हमारा लॉजिक गेट। अब हम लॉजिक गेट में देखिए, लॉजिक गेट में ये है ए, यहाँ से हमने ए इनपुट दिया, यहाँ से बी दिया, हम इसका लॉजिक गेट इस प्रकार से बनाएंगे। ओके, देख लीजिए, अब ये है हमारा यहाँ पर, ये हमने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, ये नॉट गेट है, ये एंड गेट लगा है। इसी प्रकार इसमें बी में हमने नॉट गेट लगा दिया, हमने नॉट गेट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो ये था, देखिए हम इस तरीके से लिखते हैं ए बी प्लस ए बी, तो एक बार इस पे बार होता है, एक बार इस पे, तो इसलिए इस पे बार है तो हमने ए में लगा दिया, और इस पे बार है तो बी में लगा दिया। तो बार का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। नॉट गेट हमारा जब ही आता है जब हमारा बार होता है। ओके, तो इसमें हमने नॉट गेट लगा दी। अब इसका हमारा क्या होगा, ए बी, इसको हमने इनपुट दिया तो यहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा, यहाँ से हम इनपुट देंगे तो क्या आ जाएगा इसका आउटपुट, इसमें हमारा क्या लगा है, बार लगा है, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी, तो ये बार आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बार नहीं है तो ए आ जाएगा और बी में बार आ जाएगा। ओके, अब हमने और गेट में किया तो हमें वही बनाना है जो हमारा उसका जो आउटपुट निकल रहा था। तो अब हमने यहाँ लगा दिया और गेट, तो और गेट में हमारा ऐड हो जाता, ये दोनों ऐड हो गए, तो हमारा क्या निकल आया, वही आउटपुट निकल आया। ओके, तो ये इस प्रकार से हम सर्किट डायग्राम को डिजाइन करते हैं। ओके, अब है हमारा एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट में क्या होता है, देखिए, यदि एक्स और गेट को नॉट गेट के द्वारा फॉलो किया जाए तो एक्स नॉर गेट प्राप्त होता है। इसका आईसी नंबर होता है 74266। इसका सिंबल हमारा देखिए इस प्रकार होता है, एक्स और का, यहाँ हमारा और लगा है, अब हमारा नॉट है तो हम यहाँ पर आगे नॉट लगा देंगे। अब नॉट है तो ऊपर हमारा बार भी आ जाएगा, जिस प्रकार हम बार लगा आगे ये नॉट गेट का सिंबल आएगा उसी टाइम हमारा बार आ जाता है। हम इसे इस प्रकार का सिंबल बनाकर भी डिजाइन कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं, दोनों ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, अब है हमारी प्रॉपर्टी। अब ये है ट्रुथ टेबल। ओके, तो ए एंड बी, ये हमारा आउटपुट है, हमने जब जीरो जीरो इनपुट दिया तो हमारा आउटपुट आएगा वन, जब दिया हमने जीरो और वन इनपुट तो क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। ओके, देखिए हमारा इस पर बार भी आएगा, अब ये हमने दिया वन और जीरो इनपुट तो वन आएगा, यही वन और जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये हमारा ये उल्टा हो जाता है बार लगने से, तो ये हो जाएगा वन, वन वन जीरो होता है, तो जीरो का बार लगने से क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो इसीलिए वन हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें देखिए सर्किट डिज़ाइन करेंगे, हमारा आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। हमने यहाँ पर किया गया ए एंड बी, तो ए एंड बी में हमने क्या किया, ये लगा दिया एंड गेट, इसमें हमारा कोई बार नहीं था तो इसीलिए हमने नॉट गेट नहीं लगाया, इसमें हमने दोनों में नॉट गेट लगा दिए। ये है, अगर चाहें तो हम इसे अलग से इनपुट भी दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें इन दोनों से कनेक्ट करना है, इन दोनों को हमने क्या किया और गेट से कनेक्ट कर दिया। अब ये हो गया, यहाँ पे हमारा इसका आउटपुट प्राप्त हुआ ए बी, यहाँ हुआ ए बार या बी बार। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये है हमारा, इसका ये दोनों ऐड हो गए तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे गेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।